प्रदेश में साल के 6 महीने अपने घरों से दूर रहकर जीवन यापन करने वाले गद्दी समुदाय को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। सदियों से अपने पेशे को बेखूबी निभा रहे गद्दी समुदाय के लोग पहाड़ों पर बर्फबारी होने के चलते 6 माह से 7 महीने निचले क्षेत्रों में से गुजारते हैं। हमीरपुर में भी हर साल चंबा, पालमपुर, भरमौर, मंडी, छोटा बंगाल से गद्दी अपने सैकड़ों भेड़ों बकरियों के साथ दिनचर्या गुजारते हैं। गद्दी समुदाय के लोगों ने प्रदेश सरकार से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। एक लाठी के सहारे ही गद्दी लोग अपने कुंबे की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब गद्दी समुदायों के लोगों ने हथियार की मांग की है। चंबा से हमीरपुर पहुंचे गद्दी रमेश चंद और प्रकाश ने बताया कि साल के 6 महीने घरों से बाहर ही गुजारने पड़ते हैं, जिसके कारण हर वक्त अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। उन्होंने कहा कि एक लाठी के सहारे ही दिन रात भेड़ बकरियों की सुरक्षा करनी पड़ती है और अगर सरकार चाहे तो हथियार मुहैया करवा सकती है। वहीं एक अन्य सदस्य पंकज कुमार ने सरकार से मांग की है कि गद्दियों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए जाने चाहिए, क्योंकि कई बार तेंदुओं के खतरे से निपटने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि पिछले 5-6 महीनों से घर से निकले थे और अब कुछ दिनों बाद घर वापसी होगी। गौरतलब है कि गद्दी समुदाय के लोगों को दिन रात सुरक्षा की चिंता सता रही है, क्योंकि कई बार तेंदुओं के हमला कर भेड़ बकरियों को खा लेते हैं, तो गद्दी लोगों के साथ लोगों के मारपीट के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं और भेड़ बकरियों को चराने के लिए मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस कारण ही गद्दी समुदाय के लोग अब लाइसेंस शुदा हथियार की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति में शराब के दामों में कमी व होटल बारों को रात 2 बजे तक खुला रखने के आदेशों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने हमीरपुर में विरोध प्रदर्शन किया। हमीरपुर में प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने रोष रैली निकाली व प्रदेश सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। इससे पूर्व हमीरपुर में लोकसभा हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई समस्याओं पर गहनता से चर्चा की गई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश ठाकुर ने बताया कि शराब नीति के बदलाव को लेकर आज लोकसभा हमीरपुर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई अन्य समस्याओं पर भी गहनता से चर्चा की गई। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार जरूरतमंद चीजों को सस्ता ना करके केवल शराब को सस्ता कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शराब नीति में जो बदलाव किया है उसको वापस ले, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो युवा कांग्रेस अपने आंदोलन को और तेज करेगी। जिला सोलन में निजी स्कूल वाहन लगातार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिसका खामियाजा बच्चों के परिजनों को भुगतना पड़ रहा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि निजी वाहनों से बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं रह गया है। ज्यादातर निजी स्कूल वाहन नियमों की अवहेलना कर बच्चों को स्कूल लेकर जा रहे हैं। परिजन भी लापरवाही से बिना किसी पूछताछ के वाहनों चालकों पर भरोसा कर अपने बच्चों को स्पर्श कर देते हैं, और जब कोई दुर्घटना या घटना घटती है तो जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए बच्चों के परिजनों को भी जागरूक होना पड़ेगा, ताकि अवांछित घटनाओं को टाला जा सके। बच्चों को निजी वाहनों से भेजने से पहले ये देखना भी आवश्यक है कि जो नियम सरकार द्वारा बनाए गए हैं, निजी वाहन चालक उसका अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। अधिक जानकारी देते हुए RTO सोलन सुरेश सिंघा ने कहा कि सोलन में ज्यादातर बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। एक तरफ जहां वे पुराने वाहनों को उपयोग में ला रहे हैं, वहीं वे नियमों से ज्यादा बच्चों को वाहनों में ठूस ठूस कर स्कूल में ले जा रहे हैं, जिसके चलते विभाग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बच्चों की सुरक्षा है, जिसमें वे किसी भी तरह से कोताही बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उन्होंने बच्चों के परिजनों से भी आग्रह किया है कि वे भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहें और नियमों की अवहेलना करने वालों की जानकारी विभाग को दें, ताकि वे उचित कार्रवाई अमल में ला सकें।